वोट फॉर इंडिया नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और सुशील मोदी बोल रहे हैं कि इंडिया फर्जी इंडिया। अब तो ये अद्भुत है, अपने जाल में, अपने महाजाल में फंसे। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो घटक दल के नाम पर आपने फर्जीवाड़ा किया, जिस तरीके का आचरण आपने बैठक के नाम पर किया और किन किस किस पार्टी के नाम का इस्तेमाल कर लिया, ऐसे ऐसे घटक दल है आपको जिसका ये... नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीते दिन विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक है वह बेंगलुरु में संपन्न हुआ और उस अलायंस का नाम रखा गया इंडिया। और वहीं बात करें तो दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई, जिसके बाद जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आधे से जो अधिक पार्टियां हैं वो फर्जी पार्टी थी। और वहीं बात करें कि जिस तरह से जो अलायंस का नाम रखा गया इंडिया, जिसको लेकर सुशील कुमार मोदी कह रहे थे कि इंडिया है जो फर्जी पार्टी अलायंस है, उस पर उन्होंने साफ तौर पर नीरज कुमार कहा कि जब उनके प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, तो सुशील मोदी अपने ही जाल में फंस गए। पहले क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, पहले सुनिए उनकी बातों को। वोट फॉर इंडिया नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और सुशील मोदी बोल रहे हैं कि इंडिया फर्जी इंडिया। अब तो ये अद्भुत है, अपने जाल में, अपने महाजाल में फंसे। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो घटक दल के नाम पर आपने फर्जीवाड़ा किया, जिस तरीके का आचरण आपने बैठक के नाम पर किया और किन किस किस पार्टी के नाम का इस्तेमाल कर लिया, ऐसे ऐसे घटक दल है आपको जिसका एक भी सांसद नहीं है, वैसे लोग भी आपके आपको इस स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया आपको कि आपको यह कहना पड़ रहा है, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। मने आइए हमारे साथ, आइए, हम अब चुनाव का समय आ गया है। यही आज का निहितार्थ था कि एनडीए के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और इंडिया जवाब मांगता है, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे एनडीए के घटक दल में किए गए फर्जीवाड़ा का सवाल हो। कौन बोलता है भारत माता? भारत माँ का सपूत रहेगा तो उसको 4 साल का नौकरी मिलेगा। अब भारत के नाम पर राजनीति का पेटेंट करने वाला 5 साल का एमपी या विधायक बनेगा, अग्निवीर 4 साल का, वो शहीद हो जाएगा तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, उसको पेंशन नहीं। और दूसरी तरफ एमपी एमएलए नेता प्रधानमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री तो पेंशन भी लीजिएगा, अनुकंपा का भी राजनीति में लाभ लीजिएगा। और भारत माँ का, भारत माँ तो लज्जित होती है इन लोग के कारनामे से। तो आपने सुना जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उनके नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं वोट फॉर इंडिया, तो अपने ही जाल में फंस गए। और जो एनडीए की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें जो 38 पार्टी कर रहे थे वो आधा से ज़्यादा फर्जी पार्टी थी। ऐसे तमाम खबर बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।